नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम नॉन होमोजीनियस ट्रेडल होम सेकेंड काइंड इक्वेशन को डी जनरेट कर्नेल की सहायता से सॉल्व करना सीख रहे थे। हमने उसके एक दो एग्जांपल देखे थे और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपने कर लिए होंगे। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको उस पर और बताऊँगा, तो शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फ्रेडल होम नॉन होमोजीनियस सेकेंड काइंड फ्रेडल होम इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन निकालना विद द हेल्प ऑफ डी जनरेट कर्नेल्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये आपके सीएसआई नेट में भी है। अगर आप बस इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना यहाँ पे, तो आपके नेट में भी क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बस ये है, आपको इसको मेथड वगैरह जो हमको याद रखना पड़ेगा। तो डी जनरेट कर्नेल में मैंने क्या बताया था कि जो इंटीग्रेशन के अंदर जो पार्ट है उसमें से कांस्टेंट पार्ट मतलब एक्स का पार्ट बाहर ले लो। क्यों कांस्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए साइन एक्स बाहर आ जाएगा। फिर क्या करना था हमें, इस इंटीग्रेशन की जो टर्म थी उसको कांस्टेंट मानना है, सी वन या सी कुछ मान लो, सी मान लिया। तो अब जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स इज कोस एक्स प्लस लैम्डा ऑफ साइन एक्स सी वन या सी, उसे यहाँ लिख देता। अब मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सी लिखो। सी किसको माना है? इसको सी माना है। जी टी यहाँ पुट करो। जी टी क्या है? ये x की जगह t पुट करके जी टी बना लो इसको। तो c इज इक्वल्स टू हो गया 0 to π, ये जी टी क्या हो गया? cos ऑफ t प्लस सी लैम्डा साइन ऑफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मल, तो 0 to π cos ऑफ t डी टी प्लस लैम्डा c 0 to π साइन t डी टी c के इक्वल में है। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन टी। और साइन का क्या होता है? माइनस ऑफ कोस टी। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो। साइन पाई हो जाएगा 0, अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0। लैम्डा सी अपर लिमिट रखो, माइनस ऑफ कोस पाई। कोस पाई कितना होता है? -1। ये माइनस तो ये वाला है, कोस पाई की वैल्यू माइनस में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में कोस 0 हो, कितना होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया, लैम्डा सी माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1। तो सी की वैल्यू देखो क्या आ गई, 2λc। इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी इक्वेशन आ गई। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो जो RHS में जो टर्म लिखी है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? RHS में जो टर्म लिखी है उसको LHS में ले जाएंगे। ठीक है, C कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, अब यहाँ से C की वैल्यू निकालें। अब देखो C की वैल्यू निकालेंगे, दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, मान लिया सी 0 है, सी 0 है। ठीक है, सी 0 है, तो सी 0 कब होगा? जब ये 0 नहीं होगा, और जब ये 0 नहीं होगा तो ये 2λ ≠ 0। तो ये क्या दिखाएगा कि ये कब 0 नहीं होगा? ये 0 नहीं होगा -2, इसको इधर भेज देंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1/2 पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो सी की 0 वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से जी एक्स क्या आ जाएगा? ये टर्म तो 0 हो जाएगी, जी एक्स क्या आ जाएगा? कोस एक्स, क्योंकि सी 0 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, वेयर लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1/2। तो ये ऐसे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये तो इजी सा एग्जांपल था कि जब सी जीरो होगा तो इन दोनों में से एक ही चीज़ जीरो सकती है, तो हमें वैल्यू सी की निकालनी है तो सी को जीरो मानना पड़ेगा। सी को जीरो मान लिया तो फिर सी को जीरो मान लिया तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो नहीं होगा? लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और हाँ, अगर यदि ये जीरो हो गया तो देखो, यदि ये टर्म जीरो हो गई तो क्या होगा? मतलब मैं इसको ए मान लेता हूँ एक बार, मैं आपको बताता हूँ देखो क्या हो रहा है। ए सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू जीरो में यदि ए जीरो हो गया तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, कोई बता सकता है आप मेरे से? देखो सोच के देखो, यदि ए जीरो हो गया तो इक्वेशन तो बननी ही है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? सी की वैल्यू क्या रखूँ मैं? सी की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, है ना, सी की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यदि मैंने इसको जीरो कर दिया ना तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको जीरो नहीं कर रहा, मैं सी को ही जीरो कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि मैंने इसको जीरो कर दिया तो देखो जी एक्स, फिर जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस सी लैम्डा साइन ऑफ एक्स। सी की इनफाइनाइट वैल्यू कब? जब ये जीरो होगा, और ये जीरो कहाँ होगा? लेमडा इक्वल्स टू 1/2 पे। तो सी की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये हर सी की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, लेकिन वो मेरे किस काम का है? इसलिए मैंने क्या किया, इसको जीरो ना करके सी को जीरो कर दिया, और सी को जीरो किया तो हमारे पास सी सॉल्यूशन आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्यूशन मानूँ तो यहाँ पे सी की में कोई भी वैल्यू रखूँ ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और जहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, समझ गए? तो जी एक्स कितने मिल जाएंगे मेरे को? इनफाइनाइट जी एक्स मिल जाएंगे। क्यों? सी बराबर 1 के लिए भी जी एक्स मिल जाएगा, 2 के लिए भी ये सही है, 3 के लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिला। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको जीरो कर दिया, सी को इसको जीरो नहीं किया। और मैं इसको जीरो करूँगा तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैंने इसको जीरो कर दिया तो सी की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, और ये हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो फिर जी एक्स के को कोई एक सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे को तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, इसलिए मैंने ये कर दिया। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ोगे ना तब भी काम आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल इक्वेशन है जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी। क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1/2 एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर जी टी डी टी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वही डी जनरेट करने की हेल्प से। तो जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? जी एक्स इक्वल्स टू एफ ओफ एक्स प्लस, अब इन सभी को सेपरेट कर लेंगे, लैम्डा एक्स माइनस 1/2 टी डी टी, सॉरी जी टी डी टी प्लस इस टर्म को सेपरेट कर लेंगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब बस इनका इंटीग्रेशन करना, टी का क्या हो जाएगा? सॉरी पहले मेरे को कांस्टेंट टर्म मानूंगा, डायरेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे सी वन आ गया प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर सी टू, डी जनरेट करने के से करना है ना। फिर अब मैं क्या करूँगा, सी वन सी टू की सेपरेट वैल्यूज निकालूंगा। तो सी वन किसके बराबर था? ये माइनस 1/2 टी जी ऑफ टी डी टी। अब जी टी की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालूंगा जी टी की वैल्यू, सारे एक्स को टी पुट कर दूंगा, तो एफ ओ टी प्लस लैम्डा सी वन टी प्लस लैम्डा सी टू टी टू डी टी। तो सी वन क्या इक्वल हो गया? माइनस 1/2 एफ ओ टी डी टी
इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, सॉरी पहले मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, लैम्डा सी वन, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी स्क्वायर डी टी प्लस लैम्डा सी टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे टी क्यूब माइनस वन टू वन डी टी सी वन। तो इसका तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता कि मेरे को पता ही नहीं है एफ टी क्या है, इसका करता हूँ तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन थ्री अपर लिमिट लोअर लिमिट लैम्डा सी टू टी फोर अपॉन फोर अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इनकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्लस लैम्डा सी वन, अपर लिमिट रखूँगा तो आ जाएगा वन अपॉन थ्री, माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री लैम्डा सी टू, अपर लिमिट रखूँगा तो आ जाएगा वन अपॉन फोर और लोअर लिमिट में भी वन अपॉन फोर। ठीक है, तो अब ये जो वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। तो क्या बचा, माइनस वन टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस इसको सोल्व करूँगा लैम्डा सी वन, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, ये सी वन हो गया। अब सी वन, सी वन वाले टर्म एक तरफ ले जाऊँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ सी वन, इसको उधर ले जाता हूँ माइनस टू लैम्डा सी वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन टू वन टी एफ ऑफ टी डी टी, तो यहाँ से सी वन कॉमन आ गया, अंदर बस गया वन माइनस टू लैम्डा अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन टू वन टी एफ ऑफ टी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सी वन की वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, सी वन की आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे को सी टू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसका इसमें डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से सी वन की वैल्यू आ जाएगी, तो सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन की वैल्यू आ जाएगी ऊपर तो इंटीग्रेशन, नीचे डिवाइड में आ जाएगा वन माइनस टू लैम्डा अपॉन थ्री। अब मैं सी टू की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो सी टू माना था मैंने माइनस वन वन टी स्क्वायर जी ऑफ टी डी टी को, ठीक है, मैंने इसको क्या माना था सी टू। अब जी ऑफ टी की वैल्यू पुट करूँगा मैं, यहाँ करना वैसे ही है, तो जी ऑफ टी क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी होगा एफ ऑफ टी प्लस लैम्डा सी वन टी प्लस लैम्डा सी टू टी टू स्क्वायर डी टी। फिर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर लूँगा, ठीक है, तो लिमिट एक बार रख रहन देता हूँ, मैं लिख लूँगा लिमिट तो ध्यान नहीं है केवल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब, इसको इसके साथ किया तो टी फोर डी टी। इसका मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, एफ ऑफ टी मेरे को पता नहीं है क्या होगा, लिमिट तो वही है माइनस वन से वन, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा। इसका हो जाएगा टी फोर अपॉन फोर माइनस वन टू वन लैम्डा सी टू टी फाइव अपॉन फाइव माइनस वन से। अब इसका तो अभी देखा था लास्ट में टी फोर अपॉन फोर, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, तो अब लिमिट रख के देख लेना ज़ीरो हो जाएगा। सी टू की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी, ये टर्म ज़ीरो हो गया, इसमें लैम्डा सी टू अपर लिमिट वन अपॉन फाइव माइनस लोअर लिमिट ये लो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सबसे पहले तो ये टर्म वो ज़ीरो हो ही गया, ये कितना हो जाएगा टू अपॉन फाइव, ठीक है। फिर से अब मैं सी टू की वैल्यू फाउंड करूँगा तो इस टर्म को उधर ले जाऊँगा, तो सी टू कॉमन ले लूँगा, तो इधर बच गया वन माइनस टू लैम्डा ओवर फाइव इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। तो मैं यहाँ से सी टू की वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, अभी मैं लिमिट रख देता हूँ, अब ये सी वन सी टू की जो वैल्यू है ना, सी वन की और सी टू की, वो हमें यहाँ रखनी है, रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स, जो क्या होगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, तो रख देते हैं। अब जैसे वैल्यू रखोगे ना इसमें,
आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो जी एक्स क्या बनाता हूँ, जी एक्स एफ ओफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स सी वन प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर सी टू, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो सी वन सी टू की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो जी एक्स इक्वल्स टू एफ ओफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स सी वन की वैल्यू ये रही, ये पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन टी एफ ओफ टी डी टी ओवर वन माइनस टू लैम्डा अपॉन थ्री, और सी टू की वैल्यू क्या थी, वन माइनस टू लैम्डा अपॉन फाइव, इधर टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर है तो वन माइनस टू लैम्डा अपॉन फाइव सिर्फ इसके अंदर में है, तो ये क्या आ गया आपका इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इस टर्म को इंटीग्रेशन वाले टर्म को साथ में लिख सकते हो, ना लिखो तो भी ये इसको ऐसे छोड़ दो तो भी ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन लिखी थी हमने, उसका सॉल्यूशन कर लिया, दो एग्जांपल मैंने आपको करा दिए। एक मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया था, ठीक है, उसके अंदर एक एग्जांपल और है, तो वो एग्जांपल वैसे तो आप खुद ही करना चाहिए, मैं आपको उसको बस थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आपको खुद ही करना है, फिर भी नहीं है तो मैं बता दूंगा। देखो क्वेश्चन ऐसे है कुछ, जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर पाई जीरो टू टू पाई साइन ऑफ एक्स प्लस टी जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, उसमें लिखा था कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो जाए तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यदि एफ ऑफ एक्स बराबर वन हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कैसे करना है, ये आपको करना वैसे ही, सबसे पहले डी जनरेट करने लगा के इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वन ऑफ पाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जी टी टी टी, डी जनरेट करने कर दो, एफ ओफ एक्स प्लस वन ओवर पाई साइन एक्स बाहर आ जाएगा जीरो टू टू पाई, अंदर बच गया कोस टी जी ऑफ टी डी टी, और सेकेंड टर्म क्या हो गई, कोस एक्स ओवर पाई यहाँ बच जाएगा साइन टी जी टी डी टी, इसको सी वन मान लो, इसको सी टू मान लो, तो जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ओफ एक्स प्लस वन ओवर पाई साइन ऑफ एक्स सी वन प्लस कोस एक्स ओवर पाई सी टू। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब एफ एक्स पुट करना है, एक बार एफ एक्स को एक्स रखना है और एक बार एफ एक्स को वन रखना है। ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब आप करके देखना, वहाँ से जब आप एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रखोगे ना, तो वहाँ से सी वन और सी टू में एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब इसमें लिखा है जैसे नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर जैसे आप एफ एक्स इक्वल्स टू वन रखोगे तो वहाँ से भी आपके पास क्या, दो इक्वेशन आ जाएगी सी वन सी टू के अंदर, फिर वहाँ से आपको देखना है कि इसका सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप ये करके देखना, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।